بسم الله الرحمن الرحيم असलकम हमने अपने पिछले प्रोग्राम में ऑडिट ऑफ द बैलेंस शीट के बारे में बात की थी अब हम आते हैं दूसरी अहम स्टेटमेंट की तरफ जिसे कि हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकम स्टेटमेंट की अहमियत क्या है और इनकम स्टेटमेंट के साथ किन किन लोगों का क्या क्या मुफाद या इंटरेस्ट वाबस्ता है सबसे पहली बात तो यह है कि इनकम स्टेटमेंट से पता चलता है कि कंपनी ने कितना मुनाफा कमाया है इस मुनाफे और इस मुनाफे की यानी कंपोजिशन ऑफ द प्रॉफिट में बहुत से लोगों को इंटरेस्ट होता है फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले तो टैक्स अथॉरिटीज़ को इंटरेस्ट है टैक्स अथॉरिटीज़ जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों कलेक्ट करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस कंपनी के प्रॉफिट पे लगते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस कंपनी की एक्टिविटीज़ पे लगते हैं मिसाल के तौर पे सेल्स टैक्स या कंपनी की सेल्स पे लगता है इंपोर्ट ड्यूटी कंपनी की परचेजेस वगैरह पे लगती है तो इस तरह के टैक्सेस के सही या रीज़नेबल होने का टैक्स अथॉरिटीज़ को इनकम स्टेटमेंट देख के ही पता चलता है टैक्स अथॉरिटीज़ के बाद शेयर होल्डर्स को इनकम स्टेटमेंट में बहुत इंटरेस्ट होता है क्योंकि कंपनी जितना प्रॉफिट बनाएगी या शो करेगी उसी लिहाज से डिविडेंड दिए जाएंगे उसी लिहाज से ट्रांसफर टू तो रिज़र्व होंगे और जितने कंपनी डिविडेंड देगी या रिजर्व्स क्रिएट करेगी उसी हिसाब से कंपनी की शेयर वैल्यू भी फ्लक्चुएट करेगी अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है कंपनी अच्छी डिविडेंड पे कर रही है या कंपनी के रिजर्व्स जो हैं एक स्टेडी रफ्तार से ग्रो कर रहे हैं तो कंपनी की शेयर वैल्यू भी मार्केट में उसी स्टेडी रफ्तार से ग्रो करेगी तो शेयर होल्डर्स को भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट यानी इनकम स्टेटमेंट में बहुत गहरा इंटरेस्ट होता है उसके अलावा क्राइटर्स वो लोग जिन्होंने कंपनी को लोन दिया हुआ है कर्ज दिया हुआ है या उधार पर माल सप्लाई किया हुआ है उन लोगों को भी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में बहुत इंटरेस्ट होता है क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है और सफिशेंट इनकम जनरेट कर रही है तो फिर कंपनी उनका इंटरेस्ट भी पे कर सकेगी और उनके प्रिंसिपल अकाउंट अमाउंट को भी मुनासिब वक्त पे जब भी वो ड्यू हैं रीपे कर सकेगी क्रेडिटर्स के अलावा कंपनी के अपने मुलाजमीन और मैनेजर्स को भी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट होता है क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है तो उसी हिसाब से एम्प्लॉज़ या मैनेजर्स को बोनसेज भी मिलेंगे अब कुछ कंट्रीज़ में पाकिस्तान में भी पाकिस्तान की कुछ इंडस्ट्रीज में भी ये कानून होता है कि एक सर्टन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है वो बतौर बोनस एम्प्लॉइज़ में डिस्ट्रीब्यूट की जाए जैसे पाकिस्तान में वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फ़ंड कहा जाता है तो ज़ाहिर है इसीलिए कंपनी के इम्प्लॉज़ और मैनेजर्स भी हैं वो भी इनकम स्टेटमेंट को देखना चाहते हैं कि भी कंपनी ने कितना प्रॉफिट बनाया है और उसका कितना हिस्सा जो है उनको बतौर बोनस मिलेगा अब हम आते हैं कंपनी की इनकम स्टेटमेंट के कंटेंट्स की तरफ यानी इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या शो किया जाता है बुनियादी तौर पर इनकम स्टेटमेंट को हम दो तो हिस्सों में तकसीम करते हैं पहले हिस्से को हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसमें कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट या लॉस बनाया है वो कैलकुलेट किया जाता है इसके भी दो हिस्से होते हैं यानी तमाम रेवेन्यू तमाम इनकम शो की जाती है और तमाम एक्सपेंसेस शो किए जाते हैं और इनकम माइनस एक्सपेंसेस जो है वो साल का प्रॉफिट होता है इनकम स्टेटमेंट को जो दूसरा सेगमेंट या दूसरा हिस्सा है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये वो हिस्सा है जिसमें हम कंपनी ये बताती है कि जो कंपनी ने इस साल प्रॉफिट बनाया है उस प्रॉफिट को किस तरह इस्तेमाल किया गया है या किस तरह तकसीम किया गया है कितना उस प्रॉफिट में से प्रॉफिट के तौर पर तकसीम किया जा रहा है डिविडेंड के तौर पर तकसीम किया जा रहा है और कितना जो है तकसीम नहीं किया जा रहा यानी रिटेन किया जा रहा है जिसे हम रिज़र्वस कहते हैं जो आपने पिछले प्रोग्राम में भी देखा जिसे हम कहते हैं रेवेन्यू रिजर्व्स तो अब हम आते हैं पहले हिस्से की तरफ जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जैसा कि मैंने कहा दो मेन हिस्से होते हैं इनकम्स एंड एक्सपेंसिस इनकम्स में जो पहली इनकम का जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं जो पहला जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है ये इनकम है वो आती है सेल्स से सेल्स के ऑडिटिंग के बारे में हम अपने पिछले प्रोग्राम में ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के अंडर कवर कर चुके हैं लेकिन यहाँ पे मैं एक बात का जिक्र करना चाहूँगा कि ऑडिटर जब इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट को ऑडिट करने जाए तो सेल्स की ऑडिटिंग तो उसने ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के तहत कर ली होगी लेकिन एक ख़ास बात का जो ख्याल रखे वो ये है कि जो सेल्स साल के आखिरी चंद दिनों में हुई हैं जो इन्वाइस कर दी गई हैं लेकिन अब तक डिलीवर नहीं हुई हैं उन पर ख़ास नजर रखी जाए अगर वो इन्वाइस कर दी गई हैं इसका मतलब है वो सेल्स में शामिल कर दी गई हैं लेकिन अगर वो डिलीवर नहीं हुई हैं तो हो सकता है कि उनको क्लोजिंग स्टॉक में भी इंक्लूड कर दिया गया हो अगर वो उन्हें क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड किया गया तो प्रॉफर ओवर हो जाएगा तो ऑडिटर को चाहिए कि जो इनवाइस हो गई हैं उनको सेल्स ट्रीट करें और क्लोजिंग स्टॉक से एक्सक्लूड कर दें इसी तरह अगर साल के आखिरी चंद दिनों में कोई गुड्स डिलीवर कर दी गई हैं लेकिन उनकी इन्वाइस नहीं लिखी गई अगर इन्वाइस नहीं लिखी गई तो इसका मतलब है कि उनको सेल्स नहीं ट्रीट किया जा रहा इनकम स्टेटमेंट में सेल्स के तौर पर नहीं लिया जा रहा लेकिन अगर वो डिलीवर कर दी गई हैं यानी वो फिज़िकली कंपनी की कस्टडी में मौजूद नहीं है तो इस बात का इम्कान है कि वो क्लोजिंग स्टॉक में भी शामिल नहीं होंगी अगर वो क्लोजिंग स्टॉक में शामिल नहीं हैं और वो सेल्स में भी इंक्लूडेड नहीं है तो ज़ाहिर है कि प्रॉफिट तो अंडरस्टेट हो जाएगा इसलिए ऑडिटर को चाहिए कि अगर वो डिलीवर कर दी गई हैं तो फिर यहाँ तो उनकी सेल्स ट्रीट किया जाए और अगर उनको सेल्स ट्रीट नहीं किया जा रहा तो फिर उनको क्लोजिंग स्टॉक के अंदर इंक्लूड किया जाए इस बात को वेरीफाई करने के लिए कि साल के आखिरी चंद दिनों में अगर कोई इन्वाइसिंग हुई और डिलीवरी नहीं हुई या कोई डिलीवरी हुई और इन्वाइसिंग नहीं हुई है इस बात को ज़्यादा एहतियात से वेरीफाई करने के लिए ऑडिटर के लिए ज़रूरी है कि वो साल के बाद के चंद दिनों की ऑडिटिंग को तफसील के साथ करें नी अगर देखिए कोई चीज़ शो की गई है इन्वाइसड और डिलीवर नहीं हुई तो जाहिर है उसकी डिलीवरी अगले चंद दिनों में हो जानी चाहिए यहां अगर कोई डिलीवर कर दी गई है और इनवॉइस नहीं हुई है तो फिर जाहिर है कि अगले चंद दिनों में इनवॉइस जारी कर देनी चाहिए अगर ऑडिटर अगले चंद दिनों की ऑडिटिंग भी करेगा तो उसको सूरत हाल वाजह हो जाएगी कि क्या वो जेन्युइन सेल थी या ये सिर्फ प्रॉफिट मैनिपुलेशन के लिए किया जा रहा था सेल्स के अलावा जो दूसरा रेवेन्यू है जिसे हम कहते हैं अदर इनकम इनको एसेंशियली तो हमने ट्रेडि, ट्रेडिंग एक्टिविटीज एक्टिविटीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के ऑडिट के तहत कवर कर लिया है लेकिन यहाँ पे भी ऑडिटर को एक बात का ख्याल रखना है कि साल के आखिरी चंद दिनों में अगर कंपनी ने कोई इनकम बुक की है या अगले साल के शुरू के चंद दिनों में अगर कंपनी ने कोई इनकम बुक की है तो उस इनकम को ऑडिटर ज़्यादा डिटेल के साथ देखे कहीं ऐसा तो नहीं है कि साल के आखिरी चंद दिनों में इनकम बुक कर ली गई है जो कि सही मनों में इनकम ना हो ताकि प्रॉफिट ज़्यादा शो किया जा सके कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई साल की इनकम थी लेकिन इस साल बुक नहीं की गई अगले साल बुक की गई ताकि इस साल का प्रॉफिट ज़्यादा ना दिखाना पड़े तो ऑडिटर को चाहिए कि आखिरी चंद दिनों में बुक की गई इनकम्स और अगले चंद दिनों में बुक की गई इनकम्स को ज़्यादा तफसी के साथ ऑडिट करें इसी तरह अगर कोई इनकम्स की अप्रूवल की गई है या अन इनकम के बारे में कोई प्रोविजन की गई है जो कि हमने पिछले लेसन में देखा था एक्रूड लाइबिलिटीज के अंडर अगर कोई अर्ड अर्न इनकम की एक्रूवल की गई है या अर्न इनकम की एक्रूवल accru, की गई है तो उसको भी ज़्यादा तफसील से ऑडिट करने की ज़रूरत है क्योंकि ये फिगर्स भी प्रॉफिट की रकम को बढ़ाने या घटाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है इनकम्स के बाद हम आते हैं एक्सपेंसेस की तरफ एक्सपेंसेस का ऑडिट तो हमने ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के ऑडिट के तहत और कैश ऑडिट के तहत कवर कर लिया था लेकिन यहाँ पे वंस अगेन मैं आपके तवज्जो दिलाऊंगा इस तरफ कि जो एक्सपेंसेस पे किए गए हैं या एक्रूव किए गए हैं या उनको प्री पेमेंट के तौर पे बुक किया गया है साल के आखिरी चंद दिनों में उन पर बहुत ज़्यादा एहतियात से चेकिंग की ज़रूरत है क्योंकि इस ज़रिए से प्रॉफिट की फिगर को मैनुपलेट किया जा सकता है अब देखिए अगर कंपनी का कोई एक्सपेंस नहीं है प्रॉफिट अगर कंपनी का बहुत ज़्यादा है और कंपनी उस प्रॉफिट को कम करना चाहती है तो कंपनी कोई एकूड एक्सपेंस बुक कर लेगी एक फ्यूटिशियस इन्वाइस लिख लेगी कि भी हमारा अपना फलाना खर्च हुआ था उससे एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा लेकिन अगर ऑडिटर उस इन्वाइस को फॉलो थ्रू करे यानी आखिरी चंद दिनों में आखिरी एक दो महीनों में जो बड़े बड़े एक्सपेंसेस बुक किए गए उनको अगर ऑडिटर नेक्स्ट ईयर में फॉलो थ्रू करे तो फिर पता चलेगा कि वो पेमेंट हुई है उस एक्सपेंस की पेमेंट हुई थी या नहीं हुई थी अगर उसकी पेमेंट हो गई है तो फिर आप रीजनेबली ये डिटर्माइन कर सकते हैं कि वो एक्सपेंस जेन्यून था इसी तरह एक्रूवल्स प्रीपेमेंट्स और एक्चुअल एक्सपेंसेस बोथ ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज ऑफ द ईयर और अगले साल के इनिशियल फ्यू डेज में इनको अगर कॉरेट किया जाए तो सूरत हाल बा हो सकती है एक चीज़ जो ऑडिटर कर सकता है एक्सपेंसेस के सही या गलत होने के बारे में फ़ैसला करने के लिए वो ये है कि एक्सपेंसेस का रीज़नेबलनेस टेस्ट करे अब एक तरीका रीज़नेबलनेस ये है कि अगर कंपनी के नॉर्मल ऑपरेशंस जो हैं 10-15 परसेंट से बढ़ रहे हैं तो ये कहा जा सकता है कि कंपनी के एक्सपेंसेस भी उतने ही दस पंद्रह के आसपास बढ़ रहे होंगे अगर कंपनी पिछले साल के एक्सपेंसेस के साथ और इस साल के ऑपरेशंस के साथ ऑडिटर एक्सपेंसेस को रिलेट करे मिसाल के तौर पे अगर ट्रेडिंग एक्टिविटी 15 परसेंट बढ़ी है और अगर सैलरी एक्सपेंसेस जो है वो 50 परसेंट बढ़ गए तो ज़ाहिर है कोई ना कहीं कहीं ना कहीं कोई गलती ज़रूर है इसी तरह अगर कंपनी के ऑपरेशन जो तीस चालीस फीसद बढ़ गए हैं और सैलरीज बढ़ने के बजाय दो फीसद कम हो गई हैं या मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ने के बजाय कम हो गए तो ज़रूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात गलत ज़रूर की गई है ये जो रीज़नेबलनेस है ये वेरियस रेशोज़ कैलकुलेट करके पिछले सालों के रेशोज़ इस सालों के रेशोज़ करंट रेशोज़ को जीपी पी को एक्सपेंस टू ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट इस तरह के मुख्तलिफ रेशोज़ को कैलकुलेट करके और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको देख के ऑडिटर ये फैसला कर सकता है कि ये जो एक्सपेंसिस दिखाए गए हैं जो इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस दिखाया गया है वो रीज़नेबल है कि नहीं है यहाँ पर एक मैं टेस्ट का जिक्र करूँगा जिसे हम कहते हैं कट ऑफ टेस्ट यह एक तरीके का इम्तहान है यह टेस्ट है यह एक सवाल है जो ऑडिटर अपने आप से पूछता है इनकम के दो पहलू हैं एक्सपेंसिस के दो पहलू हैं इनकम्स के बारे में ऑडिटर ने अपने आप से पूछना है या अपने आप को ये यकीन दिलाना है कि इस साल के इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ वही इनकम सेंटर की गई हैं जो इस साल अर्न की, की गई यानी कोई ऐसी इनकम शामिल नहीं है जो इस साल में कमाई नहीं गई अगले साल की इनकम को इस साल में शामिल नहीं किया गया और दूसरा पहलू यह है कि तमाम इनकम जो इस साल में अर्न की गई है वो इस साल के अकाउंट में शामिल कर दी गई है यानी यह नहीं है कि कोई इनकम कंपनी ने इस साल में अन कर ली है लेकिन इस साल के इनकम स्टेटमेंट में शामिल नहीं की गई उसे अगले साल की इनकम में डाल दिया गया है दो बातें तमाम इनकम जो कंपनी ने अर्न किया वो इस साल की इनकम स्टेटमेंट में शामिल है और सिर्फ वही इनकम इस कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में शामिल है जो इस साल में कमाई गई इसी तरह एक्सपेंसेस के बारे में दो बातें हैं कि कंपनी की किसी भी पर्टिकुलर साल की इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ वही एक्सपेंसेस डेबिट होने चाहिए सिर्फ वही एक्सपेंसेस इंक्लूड होने चाहिए जो उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में खर्च हुए हैं यानी किसी और फाइनेंशियल ईयर के एक्सपेंसेस इस साल की इनकम स्टेटमेंट में डेबिट नहीं होने चाहिए और दूसरी बात है कि वो तमाम एक्सपेंसेस जो कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर में किए हैं वो तमाम एक्सपेंसेस उस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यानी इनकम स्टेटमेंट में ज़रूर डेबिट होने चाहिए ये ना हो कि कंपनी ने एक्सपेंस कर लिया हो लेकिन इनकम स्टेटमेंट में डेबिट ना किया जाए अगले साल की इनकम स्टेटमेंट डेबिट किया जाए तो मैं ब्रीफली दोबारा कहता हूँ इनकम साल की तमाम इनकम क्रेडिट होनी चाहिए और सिर्फ साल ही की इनकम क्रेड होनी चाहिए एक्सपेंसिस साल के सारे एक्सपेंसिस इनकम स्टेटमेंट में डेबिट होने चाहिए और सिर्फ इसी साल के एक्सपेंसेस इस साल की इनकम में डेबिट होने चाहिए इनकम का तय होने के बाद अगला मरहला जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में शो, शो किया जाता है उसे हम कहते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जिसे हम प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं यानी प्रॉफिट की तकसीम इसकी जो एंट्रीज हैं पहली एंट्री है गैर मुनकस्म प्रॉफिट पिछले साल से ब्रॉड फॉरवर्ड यानी अन प्रॉफिट जो पिछले साल से लाया गया है इसकी वेरिफिकेशन बहुत आसान है पिछले साल की बैलेंस शीट देख लीजिए इस साल आप जो राइट ऑफ करेंगे वो डेबिट किया जाएगा नॉन टेंजिबल एसेट्स यानी गुडविल पिलमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह का राइट ऑफ इस साल अगर आपने कोई रिजर्व क्रिएट किए हैं या पिछले सालों के क्रिएट किए हुए रिजर्व को घटाया है तो उसकी एंट्री भी अप्रोपेशन अकाउंट में होगी अगर कंपनी कोई डिविडेंड प्रपोज करती है तजवीज़ करती है कि डिविडेंड पे किया जाए तो उसकी एंट्री अप्रोपेशन अकाउंट में होगी और इन तमाम बातों के बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा उसे हम कहते हैं अन प्रॉफिट प्रोफिट कैरिड फॉरवर्ड आइए हम एक एक आइटम को तफ़ी से देखते हैं सबसे पहली बारी बात तो यह है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई भी एंट्री सिर्फ उसी सूरत में आ सकती है अगर शेयर होल्डर्स ने उस एंट्री को अप्रूव किया हो यानी प्रॉफिट एंड लॉस को अप्रोप्रिएट या तकसीम करने का अख्तियार सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स को है डायरेक्टर्स रिकमेंड कर सकते हैं कि इतना डिविडेंड दिया जाए या इतना रिजर्व क्रिएट किया जाए डायरेक्टर्स ये फैसला नहीं कर सकते कि इतना डिविडेंड दिया जाए ये फैसले का अख्तियार सिर्फ शेयर होल्डर्स को है इसीलिए टेक्निकली प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट उस वक्त तक फाइनल नहीं होता जब तक कि कंपनी अपने एनुअल जनरल